नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जयरत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोनोरिया क्या होता है, गोनोरिया के लक्षण क्या होते हैं, गोनोरिया की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, गोनोरिया के कारण क्या होते हैं और गोनोरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं गोनोरिया क्या है। गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि नेसेरिया या गोनोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस इन्फेक्शन के फैलने के कारण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण, जैसे योनिसेक्स, एनल सेक्स, ओरल सेक्स के दौरान कंडोम का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स करते हैं जिसे पहले से ही गोनोरिया है तो आपको भी गोनोरिया हो सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पूल या असुरक्षित स्थानों में शौच या स्नान करना, गंदे सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना, सेक्स टॉय अन्य लोगों के साथ शेयर करना, असुरक्षित तरीके से सेक्स टॉय का इस्तेमाल करना। गोनोरिया कितना आम है, हाउ कॉमन इज गोनोरिया। गोनोरिया बेहद आम है, यह आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्रभावित करता है। इसके रिस्क फैक्टर को कम करके इसे मैनेज किया जा सकता है। शरीर में गोनोरिया किस तरह का प्रभाव कर सकता है, गोनोरिया थ्रोट, एनस, यूरेथ्रा, सर्विक्स जहां गर्भाशय खुलता है और आँखों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा अगर इसके लक्षणों की पहचान करने में देरी हो जाए तो यह त्वचा और जोड़ों में भी संक्रमण का कारण बन सकता है। गोनोरिया की वजह से मेनिनजाइटिस, दिमाग की बाहरी परत का संक्रमण होता है जो गंभीर स्थिति भी हो सकती है। यहाँ तक कि इसके उपचार में देरी होने पर यह महिलाओं को बांझ भी बना सकता है। अगर गोनोरिया संक्रमित कोई महिला गर्भवती हो जाती है या गर्भावस्था के दौरान उसमें गोनोरिया होने की पुष्टि पाई जाती है तो यह पेट में पल रहे भ्रूण के लिए जोखिम भरा हो सकता है। बच्चों को जन्म देते समय गर्भवती महिला को गोनोरिया होने से इसका संक्रमण बच्चे में भी फैल सकता है, बच्चे की आंख में गंभीर संक्रमण हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे गोनोरिया के लक्षण क्या होते हैं। गोनोरिया के लक्षण पुरुषों और महिलाओं में ये हो सकते हैं। पुरुषों में गोनोरिया के लक्षण, नंबर एक, पेशाब करते समय चुभन जैसा या जलन का अनुभव होना, नंबर दो, लिंग से पानी निकलना, इस पानी का रंग अक्सर सफ़ेद या पीला हो सकता है, कुछ कंडीशन में इसमें बदबू भी आ सकती है, नंबर तीन, अंडकोश में सूजन या दर्द होना, नंबर चार, लिंग की नली खुलने की जगह पर लालिमा दर्द होना, गुदा से पानी निकलना या दर्द होना, नंबर छः, आंखों में संक्रमण होना। अब हम बात करेंगे महिलाओं में गोनोरिया के लक्षण क्या होते हैं। योनि से पानी निकलना जो आमतौर पर सामान्य न लग रहा हो, योनि में खून निकलना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, पेल्विस में दर्द होना खासकर सेक्स करते समय, नंबर पाँच, गुदा से पानी निकलना या दर्द होना, आँख में संक्रमण होना। इन लक्षणों के अलावा कुछ अन्य लक्षण हम बात करेंगे गोनोरिया का निदान कैसे किया जाता है। रोगी की केस हिस्ट्री और बताए लक्षणों की पहचान के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। एक स्वैब की मदद से डिस्चार्ज के सैंपल को लेकर उसकी जांच की जाती है। यूरिन सैंपल टेस्ट भी गोनोरिया में किया जाता है। अब हम बात करेंगे गोनोरिया का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों गोनोरिया का आमतौर पर एक सिंगल एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एक एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ किया जाता है। आपको उपचार के एक या दो सप्ताह बाद एक और अपॉइंटमेंट लेना चाहिए ताकि अन्य परीक्षण किए जा सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि क्या आप इन्फेक्शन से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा, आप इन टिप्स को अपनाएं। जब भी सेक्स करो कॉन्डम का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है, अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हैं
तो पेनिस को ढकने के लिए कॉन्डम का उपयोग करना, वहाँ वेजाइना को ढकने के लिए लेटेक्स या प्लास्टिक का चौकोर डैम का इस्तेमाल करना, सेक्स टॉयज शेयर न करना और इस्तेमाल के पहले उन्हें धोना और किसी और के इस्तेमाल से पहले उन्हें नए कॉन्डम से ढकना, और जब तक सेक्स करने से बचें जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। दोस्तों, इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।